बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मैमूना और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह अपनी स्किन को ब्राइट कर सकते हैं, आप अपनी स्किन को किस तरह चमकदार बना सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है और उसमें कोई शाइनिंग नहीं है तो आप किस तरह अपनी स्किन को शाइनी बना सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अपनी स्किन को क्लीन करना है, और क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले आप लेंगे आलू। क्लींजिंग इस वजह से ज़रूरी है, जब तक आप अपनी स्किन को क्लीन नहीं करेंगे और आपकी स्किन में से जब डस्ट, मिट्टी और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो जब तक आपकी स्किन से निकलेंगी नहीं, आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो बंद रहेंगे, तब तक आपकी जो स्किन है वो हम कोई भी चीज़ अप्लाई करेंगे तो हमें वो इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो सिंपली आपने आलू के पतले पतले स्लाइस काट लेने हैं। काट लेने के बाद इस तरह आप अपनी जो स्किन है उसको आप साफ़ कर लेंगे, और साफ़ करने के बाद उसके बाद ही फिर तब आप मज़ीद जो चीज़ें वो अप्लाई कर सकते हैं। और आलू वैसे भी हमारी स्किन को लाइट करने के लिए और ब्राइट करने के लिए बहुत अच्छा है। तो जब आप इस तरह आलू से अपनी जो स्किन है इसको साफ़ करेंगे तो आपकी जो स्किन है ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। आलू को आप स्लाइस में भी काट के अप्लाई कर सकते हैं, या आलू का रस निकाल के और इसको भी आप अपनी जो स्किन है उस पर अप्लाई करके इसको आप नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, वो जैसे आपके लिए आसानी हो। इस तरह आप अपने स्किन को साफ़ कर लीजिए, और 2 से 3 मिनट इस तरह जब आप करेंगे तो आपकी जो स्किन है ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। इसी तरह का जो प्रोसीजर है आप अपनी नेक पे, फेस पे, हाथों और पाँव पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको मैं बताऊंगी कि आप अपनी स्किन को किस तरह शाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है गंदम का आटा। सिंपली जो आटा हम यूज़ करते हैं घरों में वो आपने लेना है। और इसके लिए जो नेक्स्ट हमें चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वो है सेब का रस। ये ताज़ा एप्पल आपने लेना है, और सेब लेके इसका जो रस है वो आपने निकाल लेना है। सेब, जब आप सेब का रस निकालें तो इसे छिलके समेत आपने पीसना है, छिलका आपने ऊपर से नहीं उतारना। सेब को अच्छी तरह धो के और इसका जो रस है वो आपने निकाल लेना है। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 चम्मच सेब का रस। एक चम्मच आपने लिया सेब का रस, और इसमें हम ऐड करेंगे गंदम का आटा। सेब का रस मैंने इस वजह से शामिल किया है क्योंकि एप्पल आपकी स्किन को नीट करने के लिए, क्लीन करने के लिए और आपकी स्किन को शाइनिंग करने के लिए बहुत ही इसके अमेजिंग रिजल्ट हैं। बहुत सारी रेमडीज़ मैंने चेक की, लेकिन जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा नोट की कि जितना इफ़ेक्टिव इस रेमेडी से हुआ इतना किसी से नहीं हुआ, स्पेशली स्किन को ब्राइट करने के लिए और स्किन को चमकदार बनाने के लिए ये बहुत ही इजी और इफ़ेक्टिव रेमेडी है। और गंदम का आटा भी बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। आपने इसका फाइन पेस्ट बना लेना है। आप देखेंगे अगर थोड़ा सा पतला है तो थोड़ा सा आप इसमें और जो आटा है वो ऐड कर सकते हैं। एप्पल हमारी स्किन को डीपली क्लीन करता है, और ये आपके जो पोर्स बंद हो गए हैं उन्हें खोलेगा और आपकी स्किन को एक नई चमक देगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है जो मैंने खुद चूज़ की, और इसके रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले, तब मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। और ये है भी बहुत इजी, बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत सारी चीज़ें आपने ऐड नहीं करनी और कि बहुत मुश्किल हो इसको बनाना। और इसको आप अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। इस तरह आप बना के तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, और ये डेली आप लगाएं, मॉर्निंग को भी लगा सकते हैं, इवनिंग को भी लगा सकते हैं, या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ एक टाइम लगा लीजिए। लेकिन रोज़ इस तरह अगर आप अपनी स्किन पे लगाएंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चमकदार, ब्राइट और शाइनी हो जाएगी। इसको आप अपने हाथों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने फेस पे, गर्दन पे, पाँव पे, और जहाँ जहाँ आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी और ब्राइट हो जाए उस पार्ट पर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत इफ़ेक्टिव और इजी है, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल, फीमेल और बच्चों को भी आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। आज की जो वीडियो है
इसके बारे में मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी, अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद किसी अच्छी सी टिप के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।